तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मशापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ये भुरिदा जनाः समाधि षठ संपत्ति में उपवत्ति में सन्यास व्रत ग्रहण का बात चल रहा था अनुष्ठानिक सन्यास ग्रहण को भी उपलब्धि कहलाता है आश्रम जिसको कहलाता है ब्रह्मचर्य गारस्थ को बाद आश्रम संन्यास आश्रम ये भी उपरति है लेकिन हम लोग देखें कि भगवद्गीता के अनुसार एवं शास्त्र के अनुसार कि फल छोड़ के जो कर्म किया जाता है वो भी सन्यासी एवं उसको भी कर्मयोगी कहलाता है कर्म फल जो हम बताया है जो अध्याय का प्रथम प्रथम श्लोक में फलम कार्यम कर्म करो ससन्यासी सन्यासी च नॉरी नौ न फिर सिर्फ जो कर्म छोड़ दिया एवं अग्निहोत्र आदि जो नित्य कर्म है सब छोड़ दिया सिर्फ उन्हीं लोग सन्यासी पदब अच्छे नहीं है जो फल त्याग करके कर्म कर रहा है वो भी सन्यासी जैसा है तो दोनों में फर्क क्यों है वो भी भगवान ने षठ अध्याय गीता में तृतीय श्लोक में बताया आड़ु वृक्ष और कर्म कारण मुच्यतः जोगा व सम कारण मुच्यते बहुत सहज ढंग से बता दिया जो योग मार्ग में जोगारूढ़ होने चाहते हैं ध्यान जोग में ध्यान सिद्ध होने चाहते हैं जो तो उनके लिए कर्म है एक साधन है कर्म कारण उच्चते वो निष्काम कर्म फल त्याग करके कर्म ही उनका साधन है उससे उनका मन शांत समाहित हो जाएगा गारंटी थे कि बोल है और जो इतिमध्य योग में प्रतिष्ठित है जो सत्य सेव क्षमाकरण वो भी जो अनुष्ठानिक रूप से शिखा सूत्र तय करेंगे एवं सर्वकर्मा परित्याग करने के लिए वो काबिल है जरूरत नहीं तो एक ओर से जो परफेक्ट बनना चाहते हैं वो अभी जो लूढ़ हुआ नहीं उनके लिए कर्म कारण थे उनके लिए कर्म करना विधेय है कर्म फल अगर छोड़ कर्म नहीं करेगा तो जो तामसिकता का शिकार बन जाएगा इसी नॉर्मली कि अगर कर्म करना बंद कर दिया तो भी जीवन भी बर्बाद हो जाता है तो जो व्यक्ति अभी तक जो जो हुआ नहीं उनके लिए कर्म एक महा एक आशीर्वाद है ये समझना पड़ेगा जो ये कहा जाता है कि कर्मफल छोड़ के जो कर्म किया जाता है वो हमारे जीवन में एक आवश्यक साधन अंग है जो जोगूडो हुआ नहीं जोग होने चाहते जो जोगूडो हो गया वो तो विद्यत संन्यास है और उसका क्या लक्षण है और पहले बताया असक्त बुद्धि सततम युक्त आत्मा विगत स्पृह उसका सर्वत्र अशक्त बुद्धि है एवं वो सब समय आत्मे से युक्त है एवं कोई स्पृह नहीं है जिसको नहीं है वो जो व्यक्ति है उसके लिए जो कर्म संन्यास विधेय है और जो व्यक्ति अभी उस अवस्था प्राप्त तो नहीं किया लेकिन चाहते हैं उस अवस्था प्राप्त करने के लिए उसके लिए क्या होगा जो वो जो अड़ होने चाहते वो भी निरंतर कर्म करते हुए व्यवस्था प्राप्त करेंगे तो कर्म छोड़ेगा नहीं तभी जो हमारे मन में दिविधा है कि एक या दो विपरीत धर्म में नहीं हुआ एक कर्म छोड़ रहे हैं कर्म कर रहे हैं तीस का उत्तर भगवद गीता में ही श्री कृष्ण कहते जो पंचम अध्याय में कि सांख का पृथक बाला सांख एवं जो जो बालकगण पृथक कहते तो दोनों में कोई फर्क नहीं है एकमापस्थित समय बिंदोती फलम जो, जो, जो कर्म योग एवं जो कर्म संन्यास जो अलग अलग बोलते हैं तो पंडितगण कभी ऐसे नहीं बोलते कारण दोनों ही एक बिंदु पर उपनीत होगा फल एक ही है पंचम अध्याय में पी पी में चतुर्थ एवं पंचम श्लोक जब सांखो ही प्राप्त थे स्थानम तोगी गम्य थे एकम जो 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 शांख एवं जो एक ही है जो सांख जिस स्थान में जाएंगे वो योग भी उस स्थान में जाएंगे तो जो सांख है वोग को जो एक ही देखते हैं वही यथार्थ दर्शी है, है। एकम सांखांच जोगांश जब पश्यति सब पश्यती अर्थात जो ज्ञानी गण है जो सांख्य मतलब और जो कर्म संन्यास लिया है योग मतलब जो कर्मयोग फलोत्याग की कर्मयोग में युक्त हुई है तो ये कहते है जो सांखु ही प्राप्त स्थान हम रूपी गम्य थे तो दोनों का शैली अलग है एक कर्मरत है एक कर्महीन है लेकिन प्रस्तुति अगर होकर कर्म छोड़े तो ठीक है लेकिन जो इतना प्रस्तुति नहीं है वो योग रूढ़ होने चाहते हैं उसके लिए निष्काम कर्म ही विधेय है ये इनको जो कहना है अर्थात कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग विधेय है जो उच्च कोटि है जिसको ये कर्म करने का कोई आवश्यकता नहीं है वो तो मन तल्लीन हो गया उसके श्रमक कारण उच्च थे तो मन को संगठित करना ही उनका जीवन का घाता है तो उसके लिए कर्म श्रम करेंगे समय उसके लिए ज़रूरत है लेकिन जो सिद्ध बनने चाहते हैं उसके लिए कर्म ही एकमात्र चारा है हर बिना चारा नहीं है तो इसीलिए जो जिसका जैसे प्रस्तुति है वो वैसे करे लेकिन जो उच्च को डीजी साधक का बात बोल रहे हैं वो साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है साधारण व्यक्ति के लिए निष्काम कर्मयोग कर्म फैल छोड़ कर कर्मयोग विधे है श्योर शोर और उसी अनुसार अगर हम जीवन को गठन करें तब हमारी जीवन स्वर्णिम हो जाएगा तो ये जो कर्म संन्यास कर्मयोग का बात बताया अब इसी आधार पर स्वामी विवेकानंद का क्या कहना है वो हम अगले दिन चर्चा करेंगे ओम शांति 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 हरि ओम राम कृष्ण नमस्तु आज महानवमी तिथि का अवसर है दुर्गा पूजा का प्रैक्टिकली अंतिम दिवस आज के विशेष जो तात्पर्य है जो वह है हवन जो पूजा का जब शुरुआत हुआ था वो बोधन के साथ और हवन के साथ दुर्गा पूजा का अनुष्ठानिक विसर्जन होता है हवन हवन इज द लास्ट तब कहता है हवन कभी दक्षिणांत हो जाता है तो ये हवन सुबह में होगा साढ़े ग्यारह में पुष्पांजलि है ग्यारह बजे एवं शाम को जो संध्यारथी के उपरांत फिर चालीस में संध्या रथी साथ दस से काली कीर्तन है सुकांत मानस का मशहूर काली कीर्तन प्रस्तुत करेंगे स्वामी शिवदीशानंद जी एवं साढ़े आठ बजे आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है कुमार सारंगी का जो यहाँ पर संतूर एक यंत्र संगीत होगा वाराणसी बार, से आते हैं यंग मैन बहुत अच्छा बताते हैं एवं उनके पिताजी पंडित ललित कुमार संगत करेंगे वो भी संतुल का वादक है लेकिन वो तबला वादक भी बहुत अच्छा करते हैं तो संगीत के साथ उनका साथ देंगे उसका पिताजी ललित कुमार क्योंकि दोनों ही वाराणसी से आ रहे हैं तो आज पूजा का अंतिम दिवस में सबको फिर एक दफ़े बधाई और अच्छा रहिए स्वस्थ रहिए आनंद मिलेगी नमस्कार